भी और अपनी बाइक भी दोनों यहाँ से रेडी। ये रही ड्यूक और अभी हम निकलेंगे आगे। ओ गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई ओए गिर गया गिर गया वो गिर गया। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसी है अपनी पब्लिक, होप करता हूँ सारे मस्त होंगे। तो अभी टाइम तो काफ़ी हो चुका है, तो अभी निकल चुका हूँ मैं और मैडी और एक और ड्यूक है जो आगे वेट कर रही है। अभी निकल चुके हैं हम जम्मू के लिए। तो अभी 3:30 बजे का टाइम है, तो अभी निकलना है हमें जम्मू। निकल चुके हैं और जल्दी से 6 बजे से पहले जम्मू पहुंचना है और अपनी बाइक लगानी है वर्कशॉप में ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए बाइक अपनी का, क्योंकि आगे से भी टेढ़ी है और मीटर वगैरह देखो यार पूरी बुरी कंडीशन है पूरी तरीके से, और अपनी बाइक की कंडीशन भी बहुत बुरी है। बट फिर भी जम्मू पहुँचना पड़ेगा। और रिएक्शन बहुत मोटे मोटे मिल रहे हैं इस बाइक को देखे, भी रोक शाक हो रहे हैं। और अपनी बाइक की दोनों यहाँ से रेडी। ये रही ड्यूक और अभी हम निकलेंगे आगे, बहुत लेट हो चुके हैं। चल भाई, और मैं बैठा वाला ड्यूक में पीछे। ओ गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई ओए गिर गया वो गिर गया। तो यहाँ से मैडी की बाइक गिर जाती है जैसे ही वो चलता है, तो उसके बीच कुछ आया क्या हुआ और बाइक गिर जाती है यहाँ पे रोड के बीच और काफ़ी बाइक गाड़ियाँ पीछे रुक जाती हैं। चलो देखो वो बैठे जो लीवर बचा था वो भी गया। ओ तू पीछे तू नहीं चला पाएगा वो ये वाला तूने स्टैंडर्ड यार ये निकलेगा ये निकलेगा निकाल दें ये निकाल देना अगर निकलता है निकाल दूं। हाँ साइड का ये तूने पाया इसके बीच में ये ये निकलेगा इसके लिए ये वाला टापा खोलना पड़ेगा ये वाला हो गया तार ही काट दो नहीं काटने तार नहीं ना काटने होगी मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो फिर इसको बांध देना किसी चीज से कोई रस्सी दे रस्सी इसको यूं रखो मैं अंदर से लाता हूं हां कोई रस्सी दे इसको बांध दे ये मारियो तो नहीं मीटर जा रहा है मीटर बच गया मीटर इधर निकल गया ना टक्कर लगी इधर मीटर फट के ऊपर आ गया ट्रैक्टर ने और गया दोनों ऐसे भाजी मीटर कितने का वही बाकी बाइक चल रही सही है ना कोई इंजन में कोई फॉल्ट नहीं है आगे से टेढ़ी है तो वो गड़बड़ी है जब लटाएगा ये स्लिप तो मारेगा अगर आगे से टेढ़ी है यार देख ओ यार मैं अपने तरीके से चलूंगा यार बात पता क्या यार ये गिरना नहीं था ये चीज की फंस ओ अभी छोड़ यार अभी गोली मार अभी गिर गया वो कुछ नहीं है भाई अगर चलते हुए गिरेगा बाइक आगे टूटी है बाइक का और क्या नुकसान होगा इसके लगेगी ना ये चीज करे हाँ और ये साइड वाले पड़ेगा और लाइट है हाँ ये लाइट वाला मतलब टोटली यार ये 25-30 नहीं यार इतने में हो जाए बड़ा सही है इतने में हो जाए फिर सही है यार अभी चलते चलते ही सीन हो गया था ग्रेट बट बच गया चलते चलते गिर गई जैसे ही निकल रहे होते हैं हम। चल भाई A few moments later तेरे माँ बाप घर बैठे हुए ना उनको पता तू जम्मू जा रहा है वही बोला मैंने इसको कि आप आराम से चलना गंदी तरीके से मत चल इसमें 6 बजे से पहले पहुंचना है जैसे मोड़ में पाँव नीचे लगा रहा ना तो अभी अब एक ट्रैफिक वाला भी मिल गया तो वो बोल रहा था ऐसे मत चलो तो जाज को बोल रहा था कि तू जैसे चल रहा है ऐसे मत चल क्या टायर टेड है हैं ना मार यार पीछे वाला कैसे फिटेड होगा नहीं 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 आगे वाला की ग्रिप नहीं ना बनती पिछले वाले के साथ आगे वाला टेढ़ा पीछे वाला सीधा है मतलब आगे वाला टेढ़ा ना उसकी ग्रिप नहीं ना बनती बराबर की लेन बराबर पे नहीं हो रहा समझा तो अभी हम पहुंच चुके हैं नशेरे ब्रिज के ऊपर कुछ इस तरह की लोकेशन है ओ माय गॉड क्या गिर रहा है ये धुआं किन गिर रहा है यार आग लगेगी पानी है
तो अभी हम पहुंच चुके हैं सुंदर पानी और आगे चला रहा है मैडी मेरे वाली बाइक और आगे चल रही है ड्यूक 200 और दोनों बाइकें फाड़ती हुई जा रही हैं। क्या हो गया भाई, किधर जा रहे हो? और बहुत ज़्यादा फास्ट आए हम, इसलिए मुझे बाइक मिलनी चाहिए, इसलिए मैं अभी निकल गया हूँ क्योंकि अब वेट तो नहीं कर सकते। तो अभी रुके हैं यहाँ पे, कुछ पानी वगैरह पियेंगे, प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है और पीछे रही अपनी दोनों बाइकें लगी हुई हैं। कंडीशन तो कुछ ये देख लो यार, ये कंडीशन है इसकी और ये है 200 ड्यूक बाइक और ये बंद नहीं होने वाली क्योंकि ये डायरेक्ट ही हुई है, तारे जोड़ के चला रहा हूँ इसको। बहुत जल्दी ठीक करवा ही दूंगा इंशाल्लाह, जल्दी हो जाएगी ठीक यार, इसीलिए मैं इसको इंश्योरेंस की जगह कैश पे काम करवाऊँगा बाइक का ताकि जल्दी से ठीक हो जाए और फिर अपनी ज़्यादा जल्दी से ब्लॉग अच्छे से अच्छे आए। कंडीशन ख़राब क्योंकि यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, आधी कंप्लीट हुई है और आधी बाकी है। कुछ बहुत जल्दी पकड़ लेती है KTM। सो गाइस अभी हम पहुँचे हुए हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे और अपनी बाइक की ये कंडीशन है और दूसरी रही ये ड्यूक और यहाँ पे चल रहा है थोड़ा सा शूट, फोटो वगैरह लेने गए हैं और ये थोड़े डीले हो गए मेरे अपने राइडिंग गियर पूरे लगा के मैं आया था क्योंकि बाइक की कंडीशन ये थी और बहुत ही मुश्किल से यार लेके जा रहा हूँ। इधर लीवर देखो, लीवर भी पहन जो पूरा टेढ़ा हुआ है, बट क्या करें यार, हालत ही ख़राब है पूरी तरीके से। यहाँ से निकलेंगे क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुके हैं ड्यूक पे और वो भी बैडी के पीछे। अब देखो यार कैसे राइड होती है, भाई कितनी लटाएगा। ओ माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है इसके पीछे बहुत ज्यादा यार, जिस तरह से ये चल रहा है बहुत 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 लीन हो रहा है यार, कितना लीन करवाएगा। साकी भी साकी देखो कैसे जा रहा है। तो यहाँ से दोनों बाइकें फुल पावर में चली रही थी क्योंकि काफी लेट भी हो चुके थे हम और 6 बजे से पहले हमें जम्मू शोरूम में पहुंचना था वर्कशॉप में ताकि बाइक लग जाए वर्कशॉप में और 6 बजे वर्कशॉप बंद हो जाता है। और पीछे हो रहा हूँ मैं शॉट, जिस तरह ये चल रहे हैं दोनों, मेरी तो आगे से ही बजी हुई है पहले से ही, मैं शोर आ रहा होगा क्योंकि माइक भी मेरी टूट चुकी है पहले वाली जो पहले मैंने आपको बताया भी था। शिट 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 ये क्या था यार बंदा भी शॉक हो गया और बाइक स्पीड ब्रेकर था यार, स्पीड ब्रेकर से बाइक बाहर निकल गई और बंदा तो शॉट ही हो गया। तो अभी पहुंच चुके कुछ इस तरह की लोकेशन पे और साकिब निकल चुके आगे मेरे वाली आरसी लेके और उसकी ड्यूक चला रहा है मैडी और 6 बजे से पहले हमने पहुंचना है जम्मू शोरूम में क्योंकि 6 बजे शोरूम हो जाएगा बंद और बाइकें दोनों लगनी है अंदर शोरूम में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जम्मू और गर्मी इतनी ज़्यादा यार के हद से ज़्यादा, मत
पूछो मेरे दिल दा हाल, इतनी गर्मी है जम्मू में भाई, फट रही है। मैं सही बताऊँ तो फट रही है जम्मू में, इतनी गर्मी है। धूप भी नहीं लगी हुई फिर भी इतनी गर्मी है, बट कंडीशन ख़राब हो गई है हमारी। और यहाँ पे नाके बड़े ख़तरनाक वाले लगे हुए हैं। और देखो अपनी अर्थी कैसे जा रही है,